साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों हाल ही में परसों एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ, जिस वीडियो के अंदर बांसवाड़ा में एक पंचर वाले को एक दो सितारा पुलिसकर्मी ने बुरी तरीके से मारा। सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हुआ और एक बहुत बड़ी बात यह होती जा रही है कि जहां इस कोरोना काल के अंदर कई पुलिसकर्मियों ने बेहतरीन कार्य किए हैं जनता की सेवा के लिए, कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक बेहतरीन कार्य किए हैं, लेकिन कुछ गंदी मछलियां पूरे सिस्टम को बिगाड़ती जा रही है, पूरे तालाब को गंदी कर रही है। ऐसी कुछ मछलियां जिन्हें न जाने कौन सा गुरूर और कौन सा घमंड है। सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आम व्यक्ति जरूरत की चीजों की दुकानें खोलेगा। सुबह 6 बजे कोई ग्राहक किसी दुकान पे नहीं जाता है, अमूमन 8 बजे के आसपास लोग उठते हैं, और अगर 11 बजने में अगर 5 या 10 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई तूफान नहीं मच जाता, कोई गदर नहीं हो जाता। और जब हाईवे पर बैठा व्यक्ति यदि एक पंक्चर की दुकान खोल के बैठा है और ऊपर से वो दिव्यांग है, ऊपर से वह किसी रूप से अपाहिज है, ऐसे पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा लगातार लठ बरसाना और उसके क्षेत्र के अंदर जो गाड़ियां पड़ी है उनको लात मारकर गिरा देना उसकी कुंठित मानसिकता दिखाता है। ऐसे नीच पुलिसकर्मियों को न केवल सस्पेंड कर देना चाहिए अपितु उनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बहुत सी आम है कि हमने कई वीडियो में आपको ये बताया कि क्या पुलिस की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इनलीगल एक्ट करता है तो निश्चित रूप से आप उसकी रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्या आप किसी पुलिस वाले को मार सकते हैं, ठोक सकते हैं? आज उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। भारत का कानून, भारत का संविधान हमें भारतीय प्रतीक चिन्हों का आदर करने की सीख देता है। हमें कानून में बताया गया है कि हम वर्दी का सम्मान करें, और यही कारण है कि कई पुलिस वाले उन वर्दी की आड़ में निर्दोष और बेकसूर लोगों के साथ जुल्म करते हैं और उन जुल्म की इंतहा कर देते हैं। हाल ही में आपने त्रिपुरा अगरतला के डीएम का वीडियो देखा, एक एसडीएम ने एक रोड पर ठेले वाले के मुंह पे पानी मारने का वीडियो देखा। आए दिन पुलिस वालों द्वारा आम जनता के साथ जो हरकतें की जाती है उसके वीडियो आप देखते हैं, और बांसवाड़ा के अंदर तो इन्होंने तूफान मचा दिया कि वो पंक्चर वाला नहीं है, वो आतंकी है, इस तरीके से उस पर लठ बरसाए गए। और उस पुलिस थाना, संबंधित पुलिस थाना के जो अधिकारी है वो कहते हैं ये व्यक्ति कौन है हम पता लगाएंगे। बांसवाड़ा कितना है और आपके एरिया का थाना कितना है, कितने लोग अपॉइंट किए हैं, क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज से उस व्यक्ति के बारे में पता लगाना कोई बड़ी बात है? ऊपर से 2-स्टार ऑफिसर, सोचनीय बात है। तो साथियों आज हम आपसे बात कह रहे हैं कि जब भी आप ऑन द वे जा रहे हैं या किसी पुलिसकर्मी के साथ आपकी कोई डील होती है, कोई बातचीत होती है, और आप वहां पर पोलाइटली बात कर रहे हैं और वहां पर वह व्यक्ति अपनी वर्दी का रूप दिखाकर यदि आपके साथ मारपीट शुरू करता है और वह मारपीट करते करते इस हद तक आ जाता है कि जिसमें आपकी जान जा सकती है, आपके साथ गंभीर चोटकारित हो सकती है, आपकी आंख फूट सकती है, आपका सर फूट सकता है, आपका हाथ कट सकता है, आप बहरे हो सकते हो या फिर आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, अगर ऐसी कंडीशन में कोई पुलिस वाला
आपके साथ मारपीट करता है तो भारतीय कानून आपको नामर्द नहीं बनाता है, ठोक दीजिए आप भी उसे, ठोक सकते हैं, बाकायदा ठोक सकते हैं। क्योंकि जब बात आपकी आत्मरक्षा की आएगी, जब बात आपकी जान माल संपत्ति की रक्षा की आएगी, तब भारतीय कानून आपको यह नहीं कहता है कि आप खुद को मरने दीजिए, भले ही सामने वाला व्यक्ति वर्दी पहना हुआ है। बस बात यह है कि आप गलत नहीं होने चाहिए। और आजकल तो जहां भी इस प्रकार की कोई घटनाएं होती है वहां तो सीधी सी बात है, लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, एविडेंस ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। और आप भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यदि कोई पुलिस वाला यदि आपके साथ इस तरह की हरकत करता है जिससे आपकी जान आ सकती है या गंभीर चोटें कारित हो सकती है, तो आप भी ठोक सकते हैं चाहे उसने वर्दी पहनी हो। यह आपका अधिकार है। और यहां पर मैं एक आम व्यक्ति से कहना चाहता हूं, यदि आप किसी स्पॉट पे मौजूद है और यहां पर यदि कोई पुलिसकर्मी या कोई भी सरकारी ऑफिसर यदि अपने पद और कर्तव्यों का गलत उपयोग कर रहा है तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वहां भीड़ को भी विरोध करना सीखना चाहिए। बड़ा ही दुख होता है जब आपको कोई अधिकार दिया हुआ है और आप उस अधिकार का गलत उपयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मैटर के अंदर ऐसा स्पष्ट कहा हुआ है कि किसी अपराधी ने कोई अपराध कर भी दिया हो तो पुलिस वाला उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकता है जब तक कि वह व्यक्ति उनका विरोध नहीं करता है। लेकिन हमारे पुलिस सिस्टम में तो बात ही तू तड़ाक से शुरू होती है। तू कहना तो पुलिस का आधिकारिक अधिकार हो गया है, किसी को आप कहना तो सीखे ही नहीं है। मैं समस्त उन आला अधिकारियों से यह गुजारिश करना चाहूंगा, आप आए दिन नोटिफिकेशन जारी करते हैं लेकिन कोई ऐसा माई का लाल पुलिस का आला अधिकारी आए जो एक आदेश जारी करे कि हमारे जिले के अंदर कोई भी पुलिसकर्मी किसी से तू कह के बात नहीं करेगा। और यदि किसी का तू कहने का एक वीडियो भी अगर रिलीज होता है या एक एविडेंस भी मिलता है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए कि आवाज का फर्क कितना आएगा। लेकिन यहां पर एक छोटे से छोटा पुलिसकर्मी, चाहे वो संतरे के रूप में हो, कांस्टेबल के रूप में हो, हेड कांस्टेबल के रूप में हो, एएसआई के रूप में हो, वो किसी सीनियर सिटीजन को भी तू कहने से नहीं चुकते, एक गवाह को डराने से नहीं चुकते, अपने पुलिस या अंदाज को दिखाना चाहते हैं। आज यही कारण है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय समाप्त होता जा रहा है। खैर, इस वीडियो का मकसद मेरा केवल इतना है कि आपको चाहिए कि जब भी आपके साथ कुछ गलत हो तो आप उसकी आवाज को बुलंद करो। अगर किसी एक व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो भीड़ तमाशाबीन नहीं बने, विरोध करना सीखे। और यदि आपके ऊपर कोई पुलिसकर्मी इस तरीके से अटैक कर रहा है जिससे आपकी जान माल को क्षति पहुंच रही है तो कानून आपको कमजोर नहीं बनाता है, क्या केस उसके भी चलेंगे। लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। मर जाने से बेहतर यह है कि ठोक दिया जाए। हो सकता है कई पुलिसकर्मियों को मेरा वीडियो नागवार गुजरेगा, लेकिन यह उन नाकारा, उन निकम्मे, उन बदतमीज पुलिसकर्मियों के लिए है जो जनता के ऊपर अपने वर्दी का गलत रूप चाढ़ते हैं। और तमाम उन पुलिसकर्मियों को जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको तो हम तहे दिल से सैल्यूट करते आए हैं और करते रहेंगे। और एक बार पुलिस के आला अधिकारियों से कहूंगा, एक सर्कुलेशन ऐसा जारी करें कि कोई पुलिसकर्मी किसी आम आदमी को तू कहकर नहीं बोले। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।